सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों की। आंध्र प्रदेश में अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई, 1.5 साल में लगभग 70,000 से अधिक लोग किए गए गिरफ्तार। भारी बारिश और तेज हवा के साथ दस्तक देगा आसानी तूफान, देश में अधिकांश भागों पर होगा असर। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन का पार्थिव शरीर पहुंचा भारत, पिता ने कहा शोध के लिए दान करेंगे बेटे का शव। प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में दिया शून्यकाल का नोटिस, कोरोना वैक्सीनेशन की तीसरी डोज पर नीति बनाने की मांग। अब 8 सप्ताह बाद ही लग सकेगी कोविशील्ड की दूसरी डोज, एनटीएजीआई ने की सिफारिश। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह में जिले से आएंगे कार्यकर्ता, वाहनों में भाजपा का झंडा अनिवार्य। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा बढ़ाने पर जोर, संघ के मूल कार्य को भी बढ़ाने का किया आह्वान। कश्मीर में जन्मी और पली बढ़ी मंत्री की बहू ने बया किया द कश्मीरी फाइल का पूरा सच, बोली हिंदू थे उनकी समस्या। वाराणसी के अजगरा सिटी पर 178 बूथों पर पिछड़ गए थे भाजपा के त्रिभुवन राम। वाराणसी के सेवापुरी में 75 बूथों पर भाजपा के नील रतन पटेल, नीलू मामूली अंतर से रहे पीछे। रूसी सेना ने मारियोपोल में लोगों के पनाहगाह बने स्कूल पर की बमबारी, हजारों लोगों ने किया पलायन। दूसरे दिन भी दागी क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें यूक्रेन का दावा, लड़ाई में मारे गए 14,700 रूसी सैनिक। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का इमरान खान ने माना लोहा, मोदी सरकार के धुर विरोधी पाकिस्तानी पीएम ने किया सलाम। रुक नहीं रही ताइवानी क्षेत्र में चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ, विदेश मंत्री ने जताई अनहोनी की आशंका। अशरफ गनी सरकार में अफगानिस्तान के वित्त मंत्री थे खालिद, अब अमेरिका में कैब चलाकर कर रहे गुजारा। फिर मंडराया कोविड-19 का खतरा, बिना दर्शकों के हो सकता है आईपीएल का आयोजन। कोहली और बाबर आजम की तुलना पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंग ने दी प्रतिक्रिया। आईपीएल के आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है एमएस धोनी के नाम। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने बताया क्यों 12वीं क्लास में 2 महीने के लिए कर गए थे सस्पेंड। आईसीसी ने चिन्नास्वामी पिच को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया, वेन्यू की रेटिंग में आई गिरावट। कश्मीर फाइल्स पर आया आमिर खान का रिएक्शन, कहा ऐसे फिल्म को हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए। कंगना रनौत के अत्याचारी जेल में, अब मशहूर टीवी एक्टर चेतन हंसराज बना कैदी, देखकर कंटेस्टेंट के उड़े होश। एक्टिंग नहीं करना चाहती थी रानी मुखर्जी, मां के कहने पर फिल्मों में किया काम। परिणीति चोपड़ा और करण जौहर ने दिखाया अपनी सिंगिंग का जादू,
दोनों ने गाए ऐसे सुर की उड़ गए सबके होश। नंदीश शंधु ने बताया ओटीटी को, बताया तेज भागता इंडस्ट्री, कहा यहां दर्शक ही तय करते हैं भविष्य। मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजो तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।